हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोप्रेनर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरी अपनी जर्नी माई पेइंग एड्स कंपनी के साथ, जो कि है 167 डेज़ की जो मेरी जर्नी है। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अभी मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ और ये कंपनी कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए। पर उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस वीडियो के बाद अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे से या इस MPA को ज्वाइन करना हो, तो मैं ये लिंक जो है आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे। ठीक है, आप उस पर आके मेरे को कैसे भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मिल सकते हैं, स्काइप पे, यूट्यूब पे, या फिर यहाँ पर भी नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख कर डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो मैं इसे भी बंद करता हूँ और ये मेरा फेसबुक पेज है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। और अगर आपने ज्वाइन होना हो MPA को, माई पेइंग एड्स को, तो वो भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप उसको भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि माई पेइंग एड्स अभी तक क्या हुआ है, 167 डेज से क्या हो रहा है, क्या कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और कहाँ ये कंपनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कंपनी मैं आपको बताऊँ, मार्च 2015 से चल रही है स्मूथली, काफ़ी बहुत ही अभी नंबर वन पे आप बोल सकते हैं, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है, सो फार इसके मेंबर्स हैं 1,74,613 मेंबर्स, राइट। तो और अभी भी अकाउंट हो रहे हैं, डेली के डेली बढ़ रहे हैं। और इसने अभी तक पे आउट कर दिया है लोगों को, जो अपने मेंबर्स हैं उनको 10 बिलियन से ऊपर पे आउट कर दिया। और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है किसी ऑनलाइन साइट के लिए। जो भी अगर कोई ऑनलाइन साइट एक साल भी चल जाती टिक जाती है ऑनलाइन में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसको ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, अभी मार्च 2016 में तो एक साल हो गया, बट उसके ऊपर अभी तो अगस्त आ गया है, तो काफ़ी अच्छा चल गया है अभी। मतलब आप लगा लीजिए कि 17 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, तो ये सॉरी 21 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, 17 को ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, दोबारा से 2016 में दोबारा से लॉन्च हुई थी, दूसरा पार्ट इसका आप बोल सकते हैं। तो 21 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था, तो हो गया अभी 163 डेज हो गए हैं, और आप कह सकते हैं 23 वीक्स 2 डेज। और अभी है 31 अगस्त आज। ठीक है, तो इसे करता हूँ बंद। तो 163 डेज की जर्नी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जब आएंगे, सबसे पहले मैं आपको आज पूरा ही एक्सप्लेन कर दूंगा। आज अब जब यहाँ पर आएंगे, तो आप सबसे पहले अगर आप मेंबर नहीं है, तो मैंने आपको लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, ज्वाइनिंग लिंक माई पेइंग एड्स का। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे होम पे जाके डिटेल्स, स्टैट्स, न्यूज़ सब कुछ इसका पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, ज्वाइन होने से पहले जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स पे, तो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि माई पेइंग बिजनेस मॉडल है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं है, ये अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे है। ठीक है, एड पैक प्लान कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ नीचे तक। ठीक है, और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अर्न कर सकते हैं इसी में। तो इस तरीके से आप सारी इसकी डिटेल ले सकते हैं और स्टैट्स भी जाके आप पूरा का पूरा इसका स्टडी कर सकते हैं कि कब ये लॉन्च हुई थी, ओके, और पे आउट कितने हुए हैं, मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन से मेंबर्स अभी ज्वाइन हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च डेट यहाँ पे दिखा रहा है मार्च 17, 2016। तो मैंने आपको बताया कि ये 2016 में मार्च 17 को दोबारा से लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, तो ये बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही है अभी तक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप साइनअप करेंगे, तो आप ये याद रखिए, जब आप साइनअप का फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे अपने पेमेंट प्रोसेसर्स की आईडी जो आपकी होगी, अगर आप बिटकॉइन के साथ कर रहे हैं तो कॉइन पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, और बाकी के साथ कर रहे हैं तो जैसे इसमें है पेजा है, टू पे फॉर यू है, बिटकॉइन है, परफेक्ट मनी है, सोलिड ट्रस्ट पे है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इस पे पेमेंट प्रोसेसर्स। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर आप बिटकॉइन के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉइन पेमेंट लिखा आएगा, कॉइन पेमेंट को सिलेक्ट करना है और अपना एड्रेस फिल कर देना है, राइट। तो चलिए अभी मैं लॉग इन करता हूँ इसमें, तो आप देख रहे हैं मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हूँ अभी। अभी ये ऐड इन्होंने डाल दी है, 20 सेकंड्स की ये ऐड आपको सर्व करनी पड़ती है सबसे पहले। ठीक है, इसको इस बार को चलने दीजिए, जब ये टाइमर जीरो हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 3, 2, 1, 0 एंड इसके बाद तो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू mypingads.com, और ऊपर लिखा है क्लिक है टू ओपन दिस साइट इन न्यू विंडो। दिस साइट कौन सी बोल रहा है, ये वाली साइट जो जिसका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उस साइट को ओपन कर सकते हैं आप, देखना हो तो। ठीक है, तो हमने नहीं करना, हमने कंटिन्यू करना है माई पिंग एड्स में, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे इसको, ये आप पढ़ सकते हैं सारी इसकी अपडेट जो आई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया हूँ, राइट। तो अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अर्निंग बैलेंस दिखा रहा है $51 और कमीशन बैलेंस दिखा रहा है $49, राइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो
11.5 डॉलर दिखा रहा है पेजा में और 37.5 डॉलर दिखा रहा है बिटकॉइन में। तो ये कैसे आता है, जब आपके कोई रेफरल जुड़ते हैं आपके साथ आपके अंडर, तो अगर वो पेजा का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो 11 उनकी जो कमीशन होगी वो पेजा में आएगी। अगर वो सोलिट्रस्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो उनकी कमीशन यहाँ पे सोलिट्रस्ट पे में आएगी। पीएम परफेक्ट मनी कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगी। पेपाल अलाउडेड नहीं है, टू पे फॉर यू से कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगी। तो मैंने मेरे जो रेफरल्स हैं वो अभी पेजा यूज़ कर रहे हैं और बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी कमीशन मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अभी ये अर्निंग बैलेंस दिखाई देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास 44.7 और ये पेजा में दिखा रहा है 7.25। ठीक है, तो अभी नीचे अब हम करेंगे तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक्टिव एड पैक्स जो है 126 दिखा रहा है, राइट। और मेरी एड पैक्स की अर्निंग्स जो दिखा रहा है 957.74 US डॉलर दिखा रहा है, राइट। और मेरे पास अभी 13 जो है रेफरल्स हैं, कुछ एक्टिव हैं कुछ इनएक्टिव हैं। तो इस तरीके से आपका आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया अपने अपने बैक ऑफिस का। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अब मेरे पास 126 एड पैक है, राइट। तो मैं आपको सीधा एड पैक्स पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बाय एड पैक पे, जब आपने एड पैक परचेज करने होंगे बाय एड पैक पे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, जब आप बाय एड पैक पे क्लिक करेंगे आप एड पैक तभी परचेज कर सकते हैं जब जब आपका बैनर सेटअप हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू बिगिन क्लिक सेटअप अ न्यू बैनर एड। तो मैं अगर आप बिल्कुल ही न्यू मेंबर हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको यहाँ पर आकर सेटअप अ न्यू बैनर एड पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका ऐसा इस तरीके का बैनर एक आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाय एड पैक यहाँ पे कर पाएंगे। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपको ये दिखेगा नहीं और ये बटन वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे को ये बाय एड पैक मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, मैंने कर दिया बाय एड पैक पे क्लिक। अब देखते हैं जो मैं आप चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये देखिए, जैसे मैं फर्स्ट एड पैक प्लान में था तो मेरे पास यहाँ पे $5 का एक एड पैक है, राइट। तो 100 आप परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम, इसके ऊपर का नहीं कर सकते। तो मेरे पास अभी 95 है तो मैं इसको फिल करता हूँ, तो मैं परचेज करूँगा यहाँ से। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। इसमें परचेज पे क्लिक किया तो अब ये बता रहा है कि यू हैव क्लिक्ड 0 बैनर एड्स। तो ऊपर लिखा है यू हैव टू क्लिक एनी ऑफ द 3 बैनर्स बिलो इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये बैनर दिखा रहा है 1, 2, 3, 4, जो भी 4-5 बैनर जिसने दिखाए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कोई भी बैनर होगा, 3 बैनर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ये लोड हुआ इसको बंद कर दीजिए। अब ये है, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये इसको लोड होने दीजिए। अब ये लोड हो गया, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर लिखा आ गया 2। अब ये वाला आ रहा है, इसको भी क्लिक करते हैं। अब ये भी लोड हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए। यहाँ पे आ गया यू हैव क्लिक 3 बैनर एड्स। अब करेंगे परचेज एड पैक का बटन आ गया यहाँ पे, इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक किया हमने, तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये दिखा रहा है हमें करंट बैलेंस हमारा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अर्निंग बैलेंस में दिखा रहा है हमारे पास 44.7 डॉलर है। कमीशन बैलेंस में दिखा रहा है 37 और 11 डॉलर है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी अर्निंग बैलेंस में जैसे ये दिखा रहा है तो ये पेजर में दिखा रहा है $7, राइट। और कॉइन पेमेंट में दिखा रहा है 44 डॉलर। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जब आप नीचे आएंगे, जैसे मैंने अब एड पैक परचेज करना है तो कॉस्ट है $5 की, राइट। मुझे परचेज करने हैं, 95 दिखा रहा है मेरे पास ऑलरेडी है, तो 100 में मैक्सिमम परचेज कर सकता हूँ। तो मुझे 5 चाहिए, राइट। तो मैं 5 कहाँ से खरीदूंगा? अर्निंग बैलेंस में अगर मेरे पास फंड दिखा रहा है तो मैं वहाँ से लूँगा। अब मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मैं कमीशन बैलेंस से लूँ, तो कमीशन बैलेंस से लूँ तो 5 5 5 25 हो गया। $25 के एड पैक मैं परचेज करूँगा अभी, तो मैं करूँगा कॉइन पेमेंट से, और कमीशन बैलेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे $37 मेरे पास दिखा रहा है, तो मैं कॉइन पेमेंट को सिलेक्ट करके कमीशन बैलेंस सिलेक्ट करूंगा। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि कमीशन बैलेंस, ठीक है, कमीशन बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट था, मैंने आपको बताया कॉइन पेमेंट में, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉइन पेमेंट। ओके, यहाँ पे डाल दिया मैंने 5 एडपैक्स परचेज करने हैं तो $25 के, एग्री किया टर्म्स को और यहाँ कर दिया पे नाउ। जैसे ही पे नाउ किया तो यहाँ पे एड पैक परचेज सक्सेसफुली लिखा आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे हो गए एड पैक अभी परचेज। ठीक है, तो अभी आप अगर ओवरव्यू पे चेक करेंगे मैं आपको भी चेक करके बताता हूँ। बट उसके पहले एक बात बता दूँ कि अगर आपके पास जैसे आपके कमीशन बैलेंस में पेजा में आपके रेफरल्स के थ्रू अर्निंग्स आई हुई है, ठीक है, और कॉइन पेमेंट में आपके अगर आप BTC यूज़ कर रहे हैं तो BTC के थ्रू यहाँ पे अर्निंग आई होगी, राइट। तो जब आप लाइक यहाँ से अगर मैंने एड पैक परचेज करना हो, ठीक है, कमीशन बैलेंस से, तो कैसे करेंगे? कमीशन बैलेंस से जैसे मेरे पास अभी $11 दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पेजा में जैसे अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पेजा, राइट। पेजा सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं जितना अमाउंट मेरे पास होगा, जैसे 1 है तो मैं 1 परचेज करके यहाँ से परचेज हो जाएगा सीधा, समझ रहे हो बात?
तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये भी बटन यूज़ कर सकते हैं, अर्निंग बैलेंस प्लस प्लस कमीशन बैलेंस, यूँ करके। और इसमें यूज़ कमीशन बैलेंस फर्स्ट करके, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे फंड दिखा रहा है, कमीशन बैलेंस में भी दिखा रहा है और अर्निंग बैलेंस में भी दिखा रहा है, ठीक है। $44 अर्निंग बैलेंस में दिखा रहा है, और $11 और $22 लगाइए आप कमीशन बैलेंस में दिखा रहा है। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट करके अर्निंग बैलेंस प्लस प्लस कमीशन बैलेंस यूज़ करके इसको पेजा सेलेक्ट करके, या कॉइन पेमेंट जहाँ से भी आपका फंड जहाँ पे शो कर रहा हो वहाँ पे आप एग्री करके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। पे नाउ करके ऐड पैक परचेज बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक जाता हूँ, सीधा ओवरव्यू में दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास अभी ऐड पैक परचेज आया कि नहीं। देखिए 129 था, 131 हो गया अभी, सॉरी 131 हो गया, मुझे याद नहीं है कितना था, ठीक है, 5 कम था। तो ये आपके पास सामने 131 पैक शो जो है परचेज हो गया, ठीक है। एक बात और कहूँगा कि जैसे हम ऐड पैक परचेज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बाय ऐड पैक किया, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जब हमारा बैनर सेटअप है तो हमने बाय ऐड पैक पे यहाँ पे क्लिक किया। अगर आपके दो बैनर सेटअप हैं तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, परचेज पे। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, मेरा फर्स्ट ऐड पैक लेवल जो था 100 ही में परचेज कर सकता था उसमें, और वो अब यहाँ से गायब हो गया, और अब सिर्फ प्लान 2 दिखा रहा है, प्लान 3 दिखा रहा है, एंड प्लान 4 दिखा रहा है, राइट। 2 की कॉस्ट है $10 की, 3 की कॉस्ट है $25 की, 4 की कॉस्ट है $50 की, एक एक ऐड पैक प्लान, एक एक ऐड पैक की, राइट। तो अब जैसे मेरे मेरे पास यहाँ पे परचेज ऐड पैक जो है सेकेंड ऐड पैक प्लान में 31 है, तो मेरे पास प्राइस का $10 है, तो मैं अभी इसको परचेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर से कमीशन बैलेंस से एक आपको परचेज करके दिखाता हूँ। ये फिर से बोल रहा है 3 बैनर्स पे क्लिक करो, और मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये लोड अभी हो गया, इसे कर दिया, इसे भी अभी कर दिया, ये भी लोड हो गया, और इसे भी, तीसरे को भी ये लोड हो गया। इसे बंद कीजिए, यहाँ पे परचेज ऐड पैक पे फिर से क्लिक किया। अब मैं कर रहा हूँ सेकेंड ऐड पैक परचेज करना है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कमीशन बैलेंस में आपका फंड है, अर्निंग बैलेंस में फंड है, कैश में फंड है, या कहाँ पे फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है फंड अभी कमीशन बैलेंस में, कितना $11 पड़ा है, कहाँ से, पेजा में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, एक ऐड पैक को आपको परचेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड परचेज ऐड पैक 31 है, आउट ऑफ 100 $10 की कॉस्ट है एक ही, और यहाँ पे आएगा कमीशन बैलेंस से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कमीशन बैलेंस से कर रहा हूँ। फंड मेरा पड़ा है पेजा में, तो मैं करूँगा पेजा सिलेक्ट, पेजा मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे करूँगा मैं वन पुट, यहाँ पे करूँगा एग्री टर्म्स, यहाँ पे करूँगा पे नाउ। तो ये आपने देखा एड पैक हैज़ बीन परचेज सक्सेसफुली, ये परचेज हो गया मेरा एड पैक। अब मैं फिर से अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैं फिर से अगर इसको रिफ्रेश ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, चलिए आपको करके ही दिखा देता हूँ आज पूरा ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 132 एक्टिव ऐड पैक्स हो गए। अब मैं आपको जो है दूसरा उससे भी कॉइन पेमेंट से भी परचेज करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में, ठीक है। तो फिर से सेटअप है हमारा बैनर ऐड पैक पे, फिर क्लिक किया हमने बाय ऐड पैक पे। यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि ऐड पैक प्लान 2 में 32 है। अब फिर अब ऊपर देखेंगे सबसे पहले, हाँ तो ये देखिए प्लान दिखा रहा है ऐड पैक प्लान 1 में, ऐड पैक प्लान 2 में, ठीक है। ये इतना 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 हमारा प्रोसेसर का वो दिखा रहा है पेजा में और कॉइन पेमेंट में, राइट, कितना कितना हमारा परचेज हुआ है एड पैक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट दिखा रहा है 100 100, टोटल पोजीशन 236, राइट। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा आऊँगा एड पैक प्लान 2 में, परचेज करूँगा, अभी मैं परचेज करूँगा, ये फिर से बोलेगा मेरे को 3 ऐड पैक क्लिक करो, 3 एड्स पे। फिर से मैं फटाफट क्लिक करता हूँ 1, आप जल्दी से भी कर सकते हैं 2, एक साथ भी ओपन कर लीजिए 3, ठीक है, 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, और ये 25,000 पैक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कमीशन बैलेंस से, अभी परचेज करके बताया आपको मैंने, फिर से कमीशन बैलेंस में मेरे पास फंड पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा है कॉइन पेमेंट में। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा कमीशन बैलेंस पे, और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कॉइन पेमेंट, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 1, क्योंकि मेरे पास अभी $10 से ऊपर है, ठीक है, $12 है, तो कॉस्ट जो है $10 की है। तो मैं फिर से गया $10, यहाँ फाइनल अमाउंट आप एक बार आप चेक कीजिए, पे नाउ किया, और ये परचेज हो गया हमारा, यहाँ पे ऐड पैक हैज़ बीन सक्सेसफुली परचेज, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना है। अगर आपके पास सेकंड लेवल पे आप जाते हैं तो इस तरीके से आपने अपने जो है ऐड पैक परचेज करने हैं, सिंपल है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी मेरे पास कमीशन बैलेंस में $4 रह गए और अर्निंग बैलेंस में $51 पड़े हुए हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि हम ऐड सर्फ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्फ 4 एड्स गेन आफ्टर 23 आवर्स 27 मिनट और 53 सेकेंड। तो आपको पता है कि इसमें 10 जो है एड्स डेली की हमने सर्फ करनी होती है, यहाँ पे लिखा है 10 एड्स, तो ये डेली की बस 10 सी एड्स पे सर्फ करना है।
और सर्व कैसे करना है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे को सीधा ही सर्फिंग की साइट इस पे बार लोड करने के लिए ले गया, मतलब सर्फ कर रहा है अभी एड्स को, ठीक है। तो अभी आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये तो हो रहा है ये, तो अब मैं ये किसी और टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कहीं और जाता हूँ, ठीक है, कुछ और ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। देखिए क्लिक हेयर टू गो टू वॉचिंग, ये लोडिंग जो हो रही थी ये स्टॉप हो गई। तो मैपिंग एड्स ने ये रखा हुआ है कि आप जो है कहीं और अगर क्लिक करते हैं, किसी और साइट पे जाते हैं, तो ये स्टॉप हो जाएगी, फिर आपको वापस आना पड़ेगा और क्लिक हेयर टू गो टू वॉचिंग करना पड़ेगा, तब ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो मतलब है कि आप अगर मैं यहाँ भी बाहर भी क्लिक करता हूँ अपने लोकल कंप्यूटर में भी, तो भी ये बंद हो गया, देखिए। अब फिर इससे मेरे को इस पर क्लिक करना पड़ गया, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, रादर देन इसी पेज पे बैठे रहने से आप दूसरे पेजेस पे भी काम कर सकते हैं। मैं इसका सोल्यूशन अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इस पर कर लेता हूँ मैं क्लिक, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, और मैं क्लिक करने के बाद ही एकदम से बाहर चला गया, ठीक है। वो पेज लोड नहीं हुआ था अभी, मैं एकदम से बाहर आ गया और मैंने अपना कोई और पेज ओपन कर लिया, देख रहे हैं आप। तो अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा उस पेज पे, मैं बस इसी इसी पेजेस पे देखिए यहाँ पे हूँ। मैं अभी यूट्यूब पे जाता हूँ, अभी मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने यूट्यूब पे आ गया, मैं अपना यहाँ पर यूट्यूब पे अपने पेजेस देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर नहीं गया, माई पेइंग एड्स की साइट पर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं अभी कुछ भी अपना काम करिए, आप नोट पैड खोलिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी काम कीजिए, कोई नहीं अभी प्रॉब्लम होगी। अभी क्या है कि अभी वो बार जो है हमारी माइपिंग एड्स की थी वो लोड हो रही है, ठीक है, उसकी 20 सेकेंड लोड हो रही है। अभी मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, तो आप क्या अपना वगैरह काम वगैरह करके आप वापस आ सकते हैं। देखिए अब 0 हो गया, कोई हमें 20 सेकेंड तक यहाँ पे बैठना नहीं पड़ा। आप सीधा आए, यहाँ पे क्लिक किया और फिर से ये लोड हो, जैसे ही हो, जैसे ही यहाँ पे लोडिंग चलेगी, और आप उसी टाइम पे अपना जो है कुछ और काम करने के लिए इस MPA साइड से हटकर दूसरा काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब YouTube पे अगर आपने कुछ करना है तो YouTube पे आप जाके आराम से काम करिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये गाइड कर दिया कि कैसे आपने इस मेथड से बचना है। अब ये मैं तो वापस आ गया, बट अभी देखिए फिर से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ये मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मैंने माई पेइंग एड्स का यहाँ से पीछे से सारा रिमूव किया जैसे, और यहाँ पर सीधा क्लिक कर दिया एंटर पे, ठीक है। तो मैं सीधा साइड पर पहुँच जाऊँगा। अब इस तरीके से आपको अभी पता लग गया होगा कि माई पेइंग एड्स में कैसे आप सर्फिंग एड्स भी कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं 20 सेकेंड्स, ठीक है। कुछ और काम करना हो तो ये ऐसा नहीं है कि इसी साइड पे बैठे रहो, कुछ और काम करना हो तो वो भी कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसी तरीके आप भी अपना, अगर आप ज्वाइन नहीं है ऑलरेडी अभी माइपिंग एड्स में, तो आप भी अपना ज्वाइनिंग करके माइपिंग एड्स से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने $957 मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने जो है माइपिंग एड्स से अभी तक $200 का विड्रॉल कर लिया हुआ है, और अभी मैं आज भी कर सकता हूँ विड्रॉल, ठीक है। अर्निंग बैलेंस मेरे पास है, तो अगर मैं इससे एड पैक परचेज करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी जो है ज्वाइन होइए, अपने रेफरल्स को ज्वाइन करवाइए और अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि माइपिंग एड जो है सबसे अभी टॉप पर चला हुआ है ऑनलाइन वर्ल्ड में, जो है रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम टॉप पर है, ठीक है। और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया गया है, अभी 5 से 10 साल के लिए इनका गोल है अभी आगे चलने का। तो आपको एक घबराने की बात नहीं है, अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं है तो आप, मैं बोलता हूँ आप ज्वाइन होइए और अच्छा अर्न करने के लिए रेडी हो जाइए, ओके। सो मेरे को लगता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट अपडेट्स लेके आऊँगा अगर कुछ होगी तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।